गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्निकल आउटलुक ऑन करेंसी। सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अगर रुपी की बात करें तो अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो रुपी यहाँ पर ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दिया है, मींस डॉलर यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरबॉट सिचुएशन में आता हुआ दिखाई दिया है। टेक्निकल देखेंगे तो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम RSI की तरफ देखें तो इसका जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग डॉलर में आ सकती है। अगर हम इसको डॉलर इंडेक्स की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में भी सेम पैटर्न यहाँ देखने को मिला है, और डॉलर इंडेक्स जो है वो हायर लेवल से नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और अगर RSI की तरफ जाएंगे तो RSI भी अब एक नेगेटिव डाइवर्जेंस शो कर रही है, मीन इट्स इज शोइंग ओवरबॉट जोन। तो ओवरबॉट जोन से ये एक नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि इसकी वजह से आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और सिमिलरली अगर हम USDNR की बात करें तो वहाँ पर रुपी स्ट्रेंथ ले सकता है, मीन्स डॉलर में वीकनेस आ सकती है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में रुपी नीचे करीबन 81.50 से लेकर 81 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि डॉलर के अंदर बिकवाली देखने को मिल सकती है और रुपी यहाँ पे स्ट्रेंथ रह सकता है। वहीं अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो इक्विटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो रुपी यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले 3 दिनों को देखेंगे तो करीबन 1600-1700 को काफ़ी अच्छा स्ट्रांग मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और वहाँ से एक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में रिट्रेस ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। हालांकि रेजिस्टेंस करीबन 17500 के आसपास रहेगा। 17500 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट करीबन 17800 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में है, जैसा कि आप RSI देख रहे हैं। RSI करीबन 24 से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर शो कर रहा है। हमें लगता है कि उसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है और एक्सपेक्टेड है कि ऊपर निफ्टी के भाव करीबन 17500 से लेकर 17800 तक के लेवल को दिखा सकते हैं। वहीं अगर हम डाओ की बात करें, क्योंकि डाओ के अंदर हम जनरली फॉलो करते हैं, तो डाओ अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक साल के लोअर लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करीबन इसने अभी रिसेंटली लो बनाया है 28660 का, तो कहीं ना कहीं एक साल के निचले स्तरों पर है। वहीं अगर हम देखें तो RSI भी इसका एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पर भी एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है। हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग टेक्निकल बाउंस बैक डाओ में देखने को मिल सकता है। अगर डाओ के अंदर हम एक टेक्निकल बाउंस बैक देखेंगे तो डेफिनेटली हमें निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इक्विटी मार्केट में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक का ट्रेंड देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम रुपी की बात करें तो रुपी यहाँ पर एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है और नीचे 81.50 से लेकर 81 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्निकल आउटलुक रुपी एंड ऑन इंडेक्स। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के ऐसे ही आप IIFL के साथ बने रहिए, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी जो कि आपको पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में हेल्पफुल करेंगी। थैंक यू।